स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे द प्रॉब्लम विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दिस इज अ प्रैक्टिकल विच इज रिलेटेड टू अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। ओके, सो यू कैन से देर इज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस जिसका नाम है क्विक फॉक्स ट्रांसपोर्ट कोऑपरेशन। ओके, ये जो है ये चार्जेस कैसे चार्ज करती है, जितना डिस्टेंस कवर होता है और जितना वेट होता है। ओके, आपके जो गुड्स होंगे उनका जो भी वेट होगा उसके हिसाब से क्या होगा, डिस्टेंस और वेट के हिसाब से उसका चार्ज लगेगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस दी हुई हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर आपका डिस्टेंस मोर देन 500 किलोमीटर्स है और वेट मोर देन 100 है तो 5 रुपीज़ चार्ज लगेगा। देन अगर वेट 10 केजी से ज़्यादा है लेकिन 100 केजी से लेस है तो 6 रुपीज़ लगेगा, 10 केजी से लेस है तो 7 रुपीज़ लगेगा। ये किस केस में, जब आपका जो डिस्टेंस है वो मोर देन 500 किलोमीटर्स है। ओके, बट अगर डिस्टेंस 500 किलोमीटर्स से लेस है तो फिर कंडीशंस कुछ और हो जाएंगी। ओके, अब क्या कंडीशन होगी, अगर वेट आपका ग्रेटर देन 100 केजी है, मतलब मोर देन 100 केजी है और जो डिस्टेंस चल रहा है वो लेस देन 500 किलोमीटर्स है तो आपका जो चार्ज है वो 8 रुपीज़ लगेगा, और जो आपका डिस्टेंस 500 से लेस है एंड साथ में जो वेट है वो लेस देन 100 है तब आपका जो चार्ज है वो क्या लगेगा, 5 रुपीज़, जैसे कि आप स्क्रीन पे टेबल में देख सकते हैं। ओके, सो जो स्क्रीन पे आपको फ्रेम दिख रहा है कुछ इसी तरीके से हमको अपना फ्रेम बनाना है। ओके, तो चलिए हम अपना नेटबीन्स ओपन कर लेते हैं। ये हमारा नेटबीन्स है। ओके, यहाँ पर हमने ये एप्लीकेशन बनाया हुआ है, इसको ओपन कर लेते हैं, राइट, एंड इसके डिज़ाइन पे चलते हैं। सो हियर यू कैन सी दिस फ्रेम। ओके, ये फ्रेम हमने किस तरह से डिज़ाइन किया है, यहाँ पर हमने एक लेबल ले लिया जिसमें हमने उसका टेक्स्ट एडिट करके क्या लिख दिया, क्विक फॉक्स ट्रांसपोर्ट। ये आप जानते हैं टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है, एडिट टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट है इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, किसी भी लेबल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे, मतलब यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इस पे जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। ओके, तो हमने फ्रेम डिज़ाइन कर लिया है जैसा फ्रेम मैंने आपको दिखाया था, कुछ उसी तरीके से। फ्रॉम मतलब किस सिटी से, टू मतलब किस सिटी तक ट्रैवल करेगा। ओके, देन वेट, वेट हमेशा केजीज में रहेगा, इसके लिए अपन ने टेक्स्ट फील्ड दे दिया। डिस्टेंस यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड दे दिया, एंड यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट होके आएगा जो कि इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आएगा। ओके, नाउ ये जो कैलकुलेट बटन है इसी के अंदर हमारी सारी कोडिंग होनी है। ओके, एंड एग्जिट बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। ऑलराइट, ये जो एप्लीकेशन बनने जा रही है इसमें हम नेस्टेड कंडीशंस का या नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अगर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, ये अपना कैलकुलेट बटन है जिसका नाम हमने BTN कैलकुलेट दे दिया था। ओके, ये देखिए डिज़ाइन पे चलते हैं, ये बटन है, इसका जो नेम है, नेम कैसे चेंज करते हैं, थ्रू चेंज वेरिएबल नेम। ओके, तो ये BTN कैल क्या है, इस पर्टिकुलर बटन का नेम है। ऑलराइट, चलिए इस पे अब कोडिंग चेक कर लेते हैं, अपन ने कोडिंग क्या देनी है। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है, और जो अमाउंट की वैल्यू रहेगी वो फ्लोटिंग में रहेगी, फ्लोट वैल्यू रहेगी। ओके, मतलब डेसिमल्स में वैल्यू आएगी। फिर अपन ने दो वेरिएबल ले लिए, एक वेट और एक किलोमीटर। ओके, दोनों ही को अपन ने फ्लोट में लिया है। वेट हमको कहाँ से मिलेगा, वेट वाले टेक्स्ट फील्ड में से, तो हमने दे दिया फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट txt वेट डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, आपको पता है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं यहाँ वाले फील्ड में, मतलब ये जो टेक्स्ट फील्ड है आपका, यानी कि ये जो वेट वाला टेक्स्ट फील्ड है, ये वाला टेक्स्ट फील्ड, इसके अंदर आप न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे, डिस्टेंस में भी आप न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे। ओके, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिक वैल्यू लेते हैं तो आपको पार्सिंग करनी पड़ती है, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। ओके, तो चलिए ये हमने वेट ले लिया, यहाँ से अपन ने डिस्टेंस ले लिया, यूज़र क्या करेगा, वेट और डिस्टेंस को एंटर करेगा और वो अपन ने ले लिया इन दोनों पर्टिकुलर वेरिएबल्स के अंदर। अब हम अपनी कंडीशन पे आते हैं। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर जो किलोमीटर है वो 500 से ज़्यादा है। ओके, मतलब ये देखिए इसको मैंने किसके अंदर ले लिया, इफ़ के अंदर, कि इफ़ किलोमीटर इज़ ग्रेटर दैन 500। फिर हमने क्या किया, जो हमारा इफ़ का बॉडी था, ये हमारा ये इफ़ वाला कंडीशन का जो बॉडी है, इफ़ स्टेटमेंट का जो बॉडी है, इसके अंदर अपन ने एक और इफ़ एल्स स्टेटमेंट ले लिया। इसके अंदर मैंने एक और इफ़ स्टेटमेंट दिया, उसमें मैंने बोला कि वेट इज़ ग्रेटर देन 100। ओके, यही तो हमारी कंडीशन थी।
राइट right? ये देखिए, यही तो हमारी कंडीशन थी कि अगर जो वेट है, डिस्टेंस अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तब क्या हो, ये तीन कंडीशंस और आ रही हैं कि ये जो वेट है वो 100 केजी से ज़्यादा होना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, वेट इज़ ग्रेटर देन 100, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, किलोमीटर इंटू 5, क्योंकि 5 रुपीज़ चार्ज लग रहे थे। ओके, एल्स इफ़ अगर वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ओके मतलब ग्रेटर देन, ये अपनी सेकंड वाली कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 लेकिन लेस देन 100, ओके ये सेकंड कंडीशन में आ गया, तब आपका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर इंटू 6, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, वो 6 रुपीज़ लग रहा था। एल्स मतलब ये लास्ट कंडीशन, जब आपका जो वेट है वो लेस देन 10 केजी है, तब क्या हो, अमाउंट विल बी इक्वल टू किलोमीटर इंटू 7, ओके क्योंकि उस समय क्या है, जब अगर आपका जो वेट है वो 10 केजी से भी कम है तब आपका कितना लग रहा है, 7 रुपीज़, तो ये आ गया 7। ओके तो इस तरह से इस पर्टिकुलर पार्ट में, इतने इफ पार्ट में, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, नेस्टेड कंडीशन यूज़ की, एक इफ के अंदर एक और हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज़ किया हुआ है। ओके अब हम आते हैं, ये जो हमारा इफ स्टेटमेंट है, ये जो इफ स्टेटमेंट है इसके एल्स पार्ट पे, जब अपन एल्स पार्ट पे आए तो हमको क्या देखा हमने कि यहाँ पर हमको एल्स पार्ट के लिए भी हमको एक और कंडीशन दी हुई है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि हमारा ये वाला है एल्स पार्ट जिसमें हमारा डिस्टेंस रहेगा लेस देन 500 किलोमीटर्स, लेकिन इस एल्स पार्ट के अंदर भी यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, यानी इसके अंदर फिर से हमें क्या यूज़ करना है, इफ़ एल्स। तो अब हमने क्या किया, इस एल्स पार्ट के अंदर एक और इफ़ यूज़ किया जहाँ पर हमने बोला वेट इज़ ग्रेटर देन 100, ओके ये जो चल रहा है ये पूरा डिस्टेंस लेस देन 500 किलोमीटर के लिए चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वेट है वो ग्रेटर देन 100 है, तब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा, किलोमीटर इंटू 8, एल्स अमाउंट कितना हो जाएगा, किलोमीटर इंटू 5, ठीक। तो ये जो जितने भी अमाउंट है यहाँ पे अमाउंट होके कैलकुलेट आ गया, कैलकुलेट होके आ गया, अब हमने क्या करना है, बस इस अमाउंट वाले टेक्स्ट फील्ड के अंदर इस अमाउंट को डिस्प्ले करना है, ओके क्योंकि ऊपर सभी में क्या हुआ, अमाउंट कैलकुलेट हुआ, अब हमने इस अमाउंट को यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। तो हमने लिखा txt अमाउंट डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो गया, ये अमाउंट वेरिएबल अपन ने दे दिया, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई, इसको अपन सेव कर लेंगे एंड इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। चलिए मुझे ये ट्रैवल करना है फ्रॉम दिल्ली टू पुणे, ये गुड्स ट्रैवल करेंगे दिल्ली से पुणे, ओके सपोज इनका जो वेट है वो 600, ओके यानी कि ये ग्रेटर देन 500, और जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 60 किलोमीटर्स, ओके 480, राइट। तो ये देख सकते हैं इस तरह से आपका अमाउंट कैलकुलेट होके आ जाएगा, ओके एंड एग्जिट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन। एग्जिट बटन का कोड हम जानते हैं, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या करना होता है हमको, ये एग्जिट बटन का कोड है system.exit0, ओके सो आई होप दिस इज़ क्लियर, थैंक यू।